दिनांक 21/7/2024 को थाना क्षेत्र सिपरी बाजार के मिशन कंपाउंड में समय रात्रि करीब 11:30 बजे श्याम जी यादव को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसपे श्याम जी यादव के परिजनों की तहरीर पर बीएनएस की उचित धारा में थाना सिपरी बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। केस को वर्कआउट करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सर्विलांस तथा सीसीटीवी की मदद से अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज मुखबिर की सूचना थी कि ये अपराधी ग्वालियर रोड से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सिपरी बाजार की टीम के द्वारा रक्षा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दो अज्ञात बदमाश उधर से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल पर कोई नंबर नहीं था, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ भागे। इनको पुलिस टीम के द्वारा घेरा गया। अपने को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिसमें काउंटर अटैक किया गया तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी। इसको कब्जे में लेकर के इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम बलदेव कुशवाहा बताया तथा इसका जो साथी है दूसरा सचिन रावत को भी पकड़ लिया गया। जो घायल बदमाश है बलदेव कुशवाहा उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और बाकी जानकारी की जाइए। बलदेव कुशवाहा पे अब तक 2 मुकदमे पंजीकृत हैं जो इसके द्वारा बताया गया। बाकी इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है घटना का क्या कारण था, किन लोगों के सह पर इन्होंने घटना कारित किया गया था, बाकी सारा डिटेल लिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।